हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर दो पार्ट हम पब्लिश कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेथड दो हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आप क्रेमर रूल का यूज करके भी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेमर रूल से आप सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहां डिस्कस करेंगे क्रेमर रूल। हम आपको बताएंगे क्रेमर रूल क्या होता है और क्रेमर रूल को आप किस तरीके से सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं। तो बेटा, देखते हैं, यहां आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। देखिए, आप सॉल्व dx ओवर dt माइनस y इज इक्वल टू t और x प्लस dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1। बेटा, एक सिस्टम है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो है d ओवर dt को हम d लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा dx माइनस वाई इज इक्वल टू टी, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बेटा, इसको भी आप देखो, जब लिखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x का टर्म है, ये x का टर्म मैं यहां लिख देता हूं x, और dy बाई डी टी हमने लिखा, ये हो गया आपका प्लस का dy इज इक्वल टू 1, और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा, एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, ये x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करते थे, उसको ऐड या सबट्रैक्ट करते थे। यहां बेटा हम यूज कर रहे हैं क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल में सबसे पहले जरूरत है आपको डेल्टा की। किसकी जरूरत है आपको, डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है और डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा बेटा एक डिटरमिनेंट होता है। किसका डिटरमिनेंट होता है बेटा, यहां दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, इन इक्वेशंस में एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट हमारा कहलाता है डेल्टा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सिमल्टेनियस इक्वेशन हमें गिवन है उनमें x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनका डिटरमिनेंट क्या कहलाता है, डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, देखो x का कोफिशिएंट d है, y का कोफिशिएंट माइनस 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है और यहां y का कोफिशिएंट d है। तो ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये किसकी होगी, डेल्टा की। तो आप चाहे तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, आपको बहुत अच्छे से आता है। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा 1। तो ये बेटा वैल्यू होगी किसकी, आपकी डेल्टा की। इसके बाद बेटा आपको जरूरत होती है डेल्टा 1 की। किसकी जरूरत होती है आपको, डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 को कई लोग डेल्टा एक्स करके भी समझाते हैं, लेकिन आप डेल्टा 1 से समझिए, आपके लिए बेटर है। डेल्टा 1 का मतलब ये होता है कि बेटा ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं डेल्टा में, तो ये देखो आपकी कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 को यहां आपको रिप्लेस करना होता है। कॉलम 1 को रिप्लेस करना होता है आपको किससे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए इसके राइट साइड जो टर्म दिए हैं टी और 1, तो टी और 1 से आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, जो कि आपका कहलाएगा डेल 1। कैसे रिप्लेस करेंगे, डी और 1 की जगह हम लिखेंगे टी 1 और ये बेटा माइनस 1 और डी हम सेम लिखेंगे, तो ये आपका कहलाएगा डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो देखिए डी का मल्टीपल हो रहा है टी में, और डी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और t का डिफरेंशिएशन होगा आपका 1, तो इसको आप लिखेंगे 1 और माइनस माइनस होगा प्लस, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 इज इक्वल टू 2। मतलब हम ऐसा कहें कि डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 होगी। इसके बाद बेटा आपको नीड होगी यहां डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डेल्टा 2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आपने डेल्टा 1 निकाला तो यहां आपने फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया, अब डेल्टा 2 निकालने के लिए आपको सेकंड कॉलम रिप्लेस करना होगा। तो फर्स्ट कॉलम आप सेम लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम आपका होगा d और 1, और सेकंड कॉलम की जगह आपको रिप्लेस करना होगा क्या, t एंड 1। तो हमने लिखा t एंड 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा d और d 1, तो d 1 का मतलब है 1 का एक बार डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और माइनस t इंटू 1 होगा आपका t। तो मतलब जो आपकी डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी माइनस 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। अब यहां बहुत सिंपल है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, यहां हमें x फाइंड आउट करना है और हमें y फाइंड आउट करना है। x और y दोनों के फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं,
एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा और वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा टू डिवाइडेड बाय डेल्टा। मतलब आप ऐसा समझे कि आप डेल वन की जगह आप डेल एक्स लिख सकते हैं और डेल टू की जगह आप डेल वाई लिख सकते हैं। कई लोग ऐसा लिखते हैं तो कंफ्यूज आप मत होना। या आप सीधा सीधा कहें इन फॉर्मूलों को आप इस तरीके से चेंज कर लें कि डेल इंटू एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा डेल वन और यहां आप लिख सकते हैं डेल इंटू वाई इज इक्वल टू होता है आपका डेल टू। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या करोगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप इसको यूज करें, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको यूज करें। फिलहाल हम इसको यूज कर लेते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम इसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा की वैल्यू आप देखें बेटा क्या दी हुई है डी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल वन की वैल्यू आपको दी हुई है टू। तो आप ध्यान से देखें ये जो रिजल्ट आपके सामने निकल के आया है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। आप देखिए ये टू में मल्टीप्लाई है वन का और वन को हम लिख सकते हैं e की पावर जीरो एक्स। तो आप कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या डी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू जीरो, इसको लिख सकते हैं आप जीरो टी क्योंकि टी के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। आप जीरो टी लिख सकते हैं तो जीरो टी लिखेंगे तो ये क्या बन गया आपका सी एफ और पी आई। तो आप कैसे सॉल्व करोगे सबसे पहले इसका सी एफ निकालना होगा, सी एफ निकालने के लिए आपको इसको एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एम की वैल्यू आएगी बेटा आपकी प्लस माइनस आयोटा। तो यहां से जब आप सी एफ फाइंड आउट करोगे तो सी एफ हो जाएगा सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, क्लियर है। और यहां से जब आप पी आई फाइंड आउट करोगे तो पी आई इज इक्वल टू होता है वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी और फंक्शन ऑफ डी दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यूब और क्यूब की दिया है टू इंटू जीरो टी। तो यहां डी रिप्लेस होगा बेटा टी के कोफिशिएंट से। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टी का कोफिशिएंट मैं पहले बता चुका हूं, अगर बेटर आपको समझना है तो आपको सीएफ पीआई पे बेस्ड हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो आपको देखने होंगे क्योंकि यहां सीएफ और पीआई आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स सर्च करके आप मेरे सीएफ के लेक्चर्स वहां से निकाल सकते हैं और उनको आप देखने के बाद इसको आप लर्न करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां डी रिप्लेस हो रहा है जीरो से, तो यहां देखो जीरो प्लस वन वन, तो अल्टीमेटली यहां आप सॉल्व करोगे तो पीआई आपका क्या आने वाला है टू। और आप जानते हैं कि आप सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, आप सॉल्व कर रहे हैं यहां देख लें आप सॉल्व कर रहे हैं यहां देखिए x, तो x इज इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इन टर्म ऑफ क्या दी है x दी है। तो x इज इक्वल टू सी एफ बेटा आपने निकाला था सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी और पी आई आपको मिला प्लस का टू। तो ये वैल्यू होगी बेटा आपकी x की, किसकी वैल्यू होगी आपकी x की। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लें, जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। और आप चाहें तो इस y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आप क्या करें ये x की वैल्यू आप पुट कर दें कहां यहां या यहां, जब आप पुट करेंगे यहां पुट करेंगे आप तो यहां से आपको y की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो आप जैसा चाहें वैसा कर लें, जैसा आप चाहें, मैं इसको साफ कर रहा हूं फिलहाल, है ना। आप जैसा चाहें वैसा कर लें y की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं अपन y की वैल्यू भी ऐसी फाइंड आउट कर लें जैसे अपन ने अभी x की वैल्यू फाइंड आउट की है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा दूंगा, है ना। तो यहां y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने देखो फॉर्मूला ये लिया था, तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिख रहे हैं डेल की वैल्यू आपने निकाली थी डी स्क्वायर प्लस वन और ये हुआ वाई इज इक्वल टू डेल टू की वैल्यू आपकी थी माइनस का टी। तो देखिए आप ये भी आपका क्या बन गया एक ये देखिए आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहां आपका एक्सपोनेंशियल टर्म था यहां एक्स की पावर एन या टी की पावर एन। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका सी एफ जो आएगा देखो वो सेम आएगा क्योंकि यहां भी डी स्क्वायर प्लस वन था यहां भी डी स्क्वायर प्लस वन था, तो सी एफ आप सेम देखेंगे सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। मेन है आपका पी आई, तो पी आई में वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो फंक्शन ऑफ डी दिया है डी स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस का टी,
अब बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी हम x की पावर n के लिए पढ़ते थे, ये देखो cf के रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ। जब आप x की पावर n के लिए पढ़ते थे तो आपको 1 माइनस डी और 1 प्लस डी के इनवर्स की सीरीज बनानी होती थी। तो इसको आप लिख सकते हैं, माइनस आपने बाहर लिया, इसको आप लिख दिया 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स इंटू टी, और 1 प्लस डी के इनवर्स को आप जब ब्रेक करेंगे तो होगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, तो हो जाएगा पावर 4 माइनस एंड सो ऑन इंटू टी। टी का अंदर मल्टीप्लाई करना है, डी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है, तो टी को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा। अल्टीमेटली टी का यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहां जो पी आई निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस का टी। तो आपका जो पी आई आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस टी। तो यहां से जो कंप्लीट सॉल्यूशन आप निकालोगे, देखें ये इन टर्म ऑफ एक्स था तो कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू था, ये इन टर्म ऑफ वाई है तो कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ वाई होगा, जो कि होगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ आपने फाइंड आउट किया था c1 cos t प्लस c2 sin t, और pi आपने फाइंड आउट किया है माइनस का t। तो बेटा ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, ये आपकी वैल्यू होगी x की और ये आपकी वैल्यू होगी y की। तो आपको समझ आया होगा कि क्रेमर रूल को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको केवल ध्यान देना है डेल्टा पर, डेल्टा वन डेल्टा टू, और यहां दो फॉर्मूले हमने जो आपको बताए हैं उन पे आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा एक प्रॉब्लम, फ्रेंड्स यहां प्रॉब्लम सेकेंड दी है, सॉल्व डीएक्स ओवर डीटी माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू 0 और dy बाय dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक इक्वेशन आपको ये दी है और एक इक्वेशन आपको ये दी है, क्लियर है, एक इक्वेशन आपको ये दी है और एक इक्वेशन आपको ये दी है। तो बेटा इसको हमने क्या किया, इसको आप देखो d ओवर dt को आप d लिख सकते हो, तो dx होगा माइनस 7x, x कॉमन लिया तो d माइनस 7 प्लस y इज इक्वल टू 0, यहां माइनस 2x को आपने आगे लिखा और यहां इसको dy लिख सकते हो, तो यहां से y आपने कॉमन लिया तो d माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको समझा चुके हैं, तो ये दो इक्वेशंस बनाई, इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने डेल्टा बनाया। डेल्टा कैसे बनता है, x और y के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो यहां x का कोएफिशिएंट d माइनस 7, यहां देखिए x का कोएफिशिएंट माइनस 2, यहां y का कोएफिशिएंट 1, यहां y का कोएफिशिएंट d माइनस 5। आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो आपको मिल रहा है d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37, ये वैल्यू होगी आपकी डेल्टा की। अब डेल्टा वन कैसे निकालोगे, डेल्टा वन के लिए हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट रो को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उनके राइट हैंड साइड में तो वैल्यू दी है, तो यहां राइट साइड देखो जीरो दिए हैं, तुमने जीरो जीरो रिप्लेस किए और बाकी के सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम आपका जो है वो सेम लिखा। इसको जब आप सॉल्व करोगे सीधी सी बात है ये जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। डेल्टा टू जब आप निकालोगे तो आपको सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट कॉलम हमने देखो सेम लिखा और सेकंड कॉलम हमने रिप्लेस कर दिया जीरो जीरो से, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी जीरो। अब बेटा आपको ध्यान रखना है यहां दो चीजों में, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको x के लिए सॉल्व करना है तो आपको लिखना है डेल इंटू x इज इक्वल टू डेल वन, तो हम इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। तो डेल x, तो डेल की वैल्यू आपकी आई थी देखो बेटा यहां से डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल वन, आपने निकाला तो डेल वन आपका हुआ जीरो। आप ध्यान से समझे, ये जो इक्वेशन से निकल के आई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ x, तो यहां जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। पी आई यहां जीरो होगा क्योंकि राइट हैंड साइड यहां क्या दिया है, जीरो दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सी एफ ही आपका क्या होगा, यहां कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको सॉल्व कर ले, तो सी एफ आप कैसे निकालोगे, सी एफ निकालने के लिए इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी और एक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो बेटा फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो श्री धर्माचार्य मेथड आप यूज करेंगे तो होता है b इज इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब होगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 12 12 144 माइनस 4ac, तो मतलब 37 into 4, तो 7 4 28 2 और 12, मतलब ये आ रहा है 148 डिवाइडेड बाय 2a और 2a में आएगा यहां 2। अब इसको सॉल्व करें तो देखो आप 148 में से 144 जा रहे हैं माइनस 4, तो सीधी सी बात है ये इमेजिनरी बन रहा है और 4 बाहर आएगा तो होगा 2, तो m इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस आयोटा, तो यहां अल्फा की वैल्यू होगी 6 और बीटा की वैल्यू होगी 1,
तो यहां से जो CF आपका आएगा वो CF आपका आएगा e की पावर अल्फा t, तो हो जाएगा 6t और होगा C1 cos t प्लस C2 sin t। तो ये बेटा आपका क्या होगा, यहां CF होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि CF इसका सॉल्यूशन होने वाला है, तो x इज इक्वल टू भी होगा e की पावर 6t और इसको आप लिख सकते हैं C1 cos t प्लस C2 sin t। तो बेटा एक वैल्यू आप यहां फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि किसकी वैल्यू है, x की। अब आपको एक सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर सकते हैं, और आप चाहे तो सेकंड फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको करके दिखाया वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है यहां कि बेटा यहां देखिए राइट साइड में यहां जीरो है तो डेल्टा टू के साथ भी जीरो होने वाला है। जब जीरो होगा तो आपकी इक्वेशन सेम आएगी, केवल यहां वाई होगा, आपकी एक्सेक्ट इक्वेशन आएगी, एम की वैल्यू भी सेम आएगी, तो यहां y की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, एकदम सिमिलर आएगी। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करें, इस x की वैल्यू आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। कैसे पुट कर दें, फर्स्ट में। तो मैं करके दिखाता हूं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखोगे तो होगा डी माइनस सेवन, डी माइनस सेवन इंटू एक्स, तो x की जगह e की पावर 60 और हुआ c1 cos t प्लस c2 sin t और प्लस का y इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहां इसको माइनस y लिख दें क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको सॉल्व करें जरा, तो इसका मल्टीपल इसमें होगा, तो इसका मतलब यह है कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मैं बेटा इसको साफ कर रहा हूं और डिफरेंशिएशन आपको ऊपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां जो है आप इसका डिफरेंशिएशन करें, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप लगा लें, तो फर्स्ट फंक्शन होगा आपका e की पावर 60 और सेकंड का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो होगा c1 sin t और प्लस c2 sin का हो जाएगा cos t। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम लिखेंगे, सेकंड फंक्शन होगा c1 cos t प्लस c2 sin t और यहां डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 60 का, तो e की पावर 60 सेम होगा, तो होगा 6 इंटू e की पावर 60। क्लियर है? अब बेटा ये डिफरेंशिएशन हुआ माइनस, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इस 7 का भी मल्टीप्लाई है, तो माइनस लिखेंगे 7 e की पावर 60 और ब्रैकेट में आएगा c1 cos t प्लस c2 sin t इज इक्वल टू माइनस y। तो आप यहां ध्यान से देखें कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसमें देखो 7 e की पावर 60 है और ये 6 e की पावर 60 है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सीधी सी बात है माइनस बचने वाला है, तो हम लिखेंगे e की पावर 60 या अंदर मल्टीप्लाई, पहले ऐसे लिख लें माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t और यहां मिलने वाला है माइनस e की पावर 60 और ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका c1 cos t प्लस c2 sin t इज इक्वल टू माइनस y। ये तो समझ आ रहा है ना आपको, ये बेटा 6 e की पावर 60 थे, ये 7 e की पावर 60 थे, जब हमने माइनस किया तो ये माइनस का मिला, यहां से e की पावर 60 देखो फिर कॉमन आ रहा है, तो हमने e की पावर 60 यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच रहा है माइनस का c1 sin t प्लस का c2 cos t और ये माइनस है तो होगा माइनस का c1 cos t और माइनस का होगा c2 sin t इज इक्वल टू माइनस के y। तो यहां से कुछ कैंसिल होंगे, देखो ये c1 cos t और c2 cos t कैंसिल नहीं हो रहा है ना, ये कैंसिल यहां नहीं हो रहा है क्योंकि फर्क आ रहा है आपका उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करें, इसको लिखते हैं e की पावर 60 और ये sin t है, तो इसको आप लिख लें माइनस का sin t और आएगा c1 प्लस c2 और ये आप लिख लें इसको प्लस का cos t, आप कॉमन ले लें होगा c2 माइनस c1 इज इक्वल टू माइनस का y। तो आप y इज इक्वल टू आंसर चाह रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई होगा तो होगा e की पावर 60 sin t c1 प्लस c2 और ये माइनस का हो जाएगा e की पावर 60 cos t c2 माइनस c1। तो ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी बेटा,
y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू आप यहां फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू आप, तो फ्रेंड्स यहां आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की है और x की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके थे, ये y है आपका, ये x है। तो बेटा कंक्लूजन इज दैट कि x की वैल्यू आपने फॉर्मूले से निकाली, कौन से फॉर्मूले से, डेल x इज ओवर इज इक्वल टू डेल 1, तो आपको x की वैल्यू ये मिली। इस x की वैल्यू को आपने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में तो y की वैल्यू आपको ये मिली। अगर आप y की वैल्यू डेल y इज इक्वल टू डेल 2 से निकालते तो आपको वैल्यू क्या मिलती, मैंने अभी समझाया था आपको, आपको वैल्यू ये सेम मिलती। तो क्या ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालोगे और पुट करके निकालोगे तो क्या डिफरेंट आएगी? नहीं आएगी। वैल्यू कैसी आएगी आपकी? सेम आएगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू भी क्या आने वाली है, दिस, अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल दो जबकि हमने यहां पुट किया है तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, e की पावर 60 cos, ये c2 माइनस c1 को आप क्या करें, एक कोई नया कांस्टेंट ले लें और c1 प्लस c2 को एक नया कांस्टेंट ले लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो कुल मिला के आप इसको y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, e की पावर 60 आप कॉमन ले लें तो इसको आप लिख सकते हैं a cos t प्लस का b sin t, मतलब एक नया आप क्या करें इनकी जगह कॉन्स्टेंट है कुछ भी हो सकता है, तो कॉन्स्टेंट यूज करके आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको डे वन से बता रहा हूं कि यहां डिफर करता है केवल और केवल कॉन्स्टेंट। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो प्रॉब्लम्स देता हूं उसमें आंसर इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट से क्या होता है आंसर थोड़ा सा डिफर करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें क्रैमर रूल यूज करना है। प्रॉब्लम फर्स्ट हमने यहां डिस्कस की क्रैमर रूल से और प्रॉब्लम सेकंड भी हमने क्रैमर रूल से डिस्कस की, तो आई होप आपको समझ आया। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये चार प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों प्रॉब्लम्स आपकी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड हैं और चारों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। बेटा ये प्रॉब्लम आपकी बेस्ड है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जैसा कि आपको मालूम है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमने तीन पार्ट बनाए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया, सेकंड पार्ट में हमने आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में हमने आपसे क्रैमर रूल डिस्कस किया है। तो तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को बना सकते हो। यहां कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप तीनों मेथड में से किसी भी एक स्पेसिफाइड मेथड को आपको यूज करना है, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।